जैसे राधे जी, देखो मैं हमेशा कहता हूँ हेडलाइन को लेकर कि हेडलाइन जब भी आपकी एक सामान्य स्थिति में ना हो, यानी कि एक महीन सी रेखा और बिल्कुल सुलझी हुई आगे की तरफ ना बढ़ रही हो। अगर देखो ये बिल्कुल महीन है, सुलझी हुई है, एकल रेखा यानी कि सिंगल लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो काफ़ी अच्छी है, ये लाइफ को भी ना उतनी ही स्मूथ रखने का कार्य करेगी। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी रेखाएं आपस में आके जुड़ने लगेंगी, इसे चौड़ा बनाने लगेंगी, नीचे की तरफ रेखाएं भटकनी शुरू हो जाएंगी, बीच बीच में छोटे छोटे क्रॉस आने लगेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन या पूरी तरीके से टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी और फिर एक अलग रेखा निकलेगी, तो ये आपके जीवन को सामान्य नहीं रहने देगी। ये भावनात्मक रूप से आपको तोड़ने का कार्य करती है, स्वास्थ्य संबंधी विकारों को बढ़ाने का कार्य करती है, जीवन में एन केन प्रकारेण आपको मुसीबत की तरफ ही रखने का कार्य करती है। कोई ना कोई परेशानी आपकी तरफ ये बढ़ा के ही रखेगी। कभी भी आप चाहेंगे कि 4 दिन चैन की बंसी बजा लें तो वो बंसी आपने मिलने वाली नहीं है, ठीक है, वो बंसी का क्या होगा पता नहीं। इसके अलावा ऊपर आके जब रेखाएं इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ने लगे, बिल्कुल करीब करीब और एक दूसरे से कोई संबंध ना हो, यानी कि बिल्कुल अलग अलग करके आगे की तरफ बढ़ रही हो, ये अन्य एक स्थिति को दर्शाती है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो विकार है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति की तरफ आपको लेते चले जाते हैं और शल्य चिकित्सा की स्थिति को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। उनके संबंध में आपको मंगल के इस क्षेत्र से भी काफ़ी हद तक जानकारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में जब भी ऐसी स्थिति होगी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ खास समस्या होगी, वायु विकार होगा, पेट से संबंधित जो रोग होती है उसकी स्थिति बढ़ेगी, डायबिटीज़ रिलेटेड जो समस्या है वो आपके लिए बढ़ेगी, मेहनत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। इनफैक्ट कि आपको लगेगा कि आपके घर में काम करने वाले और सब कुछ संभालने वाले आप अकेले हैं और आपकी भावनाओं की कदर करने वाला और कोई नहीं है, ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का कार्य करेगा। आपकी फैमिली लाइफ में भी चीज़ों को स्मूथ नहीं रहने देगा, किसी न किसी प्रकार से परिस्थितियों को आपके विपरीत ही रखेगा। आर्थिक समस्याएँ भी कभी कभी बेवजह आपकी तरफ बढ़ती रहेंगी और फिजूल खर्ची और पैसे का अपव्यय हद से ज़्यादा आपके लिए बढ़ता चलता चला जाता है इसी स्थिति में। हालांकि संग्रह की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहती है, अच्छी खासी संपत्ति आप अपने जीवन में बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि हृदय से आनंद की स्थिति हो, वैसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो पाती। हालांकि जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रेखाओं की ऐसी स्थिति हो, छिछली हो, चौड़ी हो, टूटी हो, फूटी हो, ऐसे लोग होते हैं हृदय के अच्छे, ठीक है, वो अच्छा सोचने वाले होते हैं, जीवन शांति से जीने की चाह रखने वाले होते हैं, बेहतर विचारों वाले होते हैं, दूसरों का भला सोचने वाले होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बैड लक कि आपके लिए परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती जैसा आप दूसरों के लिए सोचते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, व्यक्ति को अपनी पूरी पाम की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ बनती है उन रेमेडीज़ पे काम करना चाहिए और हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ बनती है उस पे काम करना चाहिए और जीवन को सही दिशा की तरफ बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लिया आपको बुखार आया तो किस वजह से आया, तो जब तक उसे डायग्नोसिस नहीं की जाएगी, जब तक उसके टेस्टेज नहीं किए जाएंगे, तब तक कोई भी मेडिसिन देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं मोस्टली वीडियो में रेमेडी सबको नहीं बताता हूँ, बिकॉज पेशेंट वाइज ट्रीटमेंट की जैसी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक जैसी रेमेडी सब पे काम करती ही नहीं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, एक साथ जन्मे दो बच्चों की किस्मत अलग होती है, आपकी कहाँ से किसी के साथ मिल जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।